दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बोट पार्टिपल 200 का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। दोस्तों इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट दे दिया था अनबॉक्सिंग रिव्यू का, अगर आपने वो वीडियो देखना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। सो आज की वीडियो में दोस्तों इस मॉडल का जो है ना काफी डिटेल पे ऑडियो टेस्ट होगा, इंडोर पे टेस्ट करेंगे, इसकी बेस क्वालिटी टेस्ट करेंगे, आउटडोर में भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार लाउडनेस कितनी बढ़िया हमें मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों ये बोट की तरफ से एक प्रॉपर पार्टी स्पीकर है एंड इसका दोस्तों अभी करंट प्राइस चल रहा है 7,300 रुपीज। वैसे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, अगर आपको प्राइस जानना होगा तो प्राइस भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको परचेज करना होगा तो परचेज भी कर सकते हैं। सो हमने इसका दोस्तों बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यार आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप सबको बताया हम सारे मॉडल्स खुद परचेज करते हैं, हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता है। सो हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप इस मॉडल को परचेज करने की सोच रहे होंगे तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। दोस्तों ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों इस पर हमें 2 ट्यूटर मिल जाते हैं 1.5 इंचेस के, 2 हमें ड्राइवर्स मिल जाते हैं मिड रेंज ड्राइवर्स जो कि हैं 3.5 इंचेस के एंड इस पर हमें दोस्तों 8 इंच का वूफर मिल जाता है। बाकी इसका जो टोटल पावर आउटपुट है 70 वाट का है एंड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस पर हमें ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्स ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में दोस्तों हमें वायर्ड माइक भी मिल जाता है। अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने इसकी माइक क्वालिटी भी आपको डिटेल पे टेस्ट कराई है। सो दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंडोर पे ऑडियो टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार ऑडियो क्वालिटी में कितना बढ़िया है। अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं तो आपके लिए ये पार्टी स्पीकर बढ़िया होगा या नहीं होगा ये चीज टेस्ट कर लेते हैं। सो प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए। बाकी दोस्तों जल्दी इस मॉडल का हिंदी में भी साउंड टेस्ट आएगा इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तेरे पास के फलक से मैं जान, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रब है, ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुख बरी ना कर जोरा जोरी। तो दोस्तों यार मैंने पार्टी स्पीकर का आपको डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करवा दिया है, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आपको इस स्पीकर की ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, ऑडियो क्वालिटी वाइज दोस्तों मुझे बढ़िया लगा है। एज अ पार्टी स्पीकर के हिसाब से आप देखिएगा, मतलब अगर आप पार्टी स्पीकर परचेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से इस मॉडल की जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है। अगर हम इस रेंज में या इससे कम की रेंज में जो पार्टी स्पीकर आते हैं बैटरी वाले, उनकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ ना दोस्तों बिल्कुल बेकार होती है। मतलब कि दोस्तों जो इस रेंज में या इससे कम की रेंज में आते हैं ना पार्टी स्पीकर अदर ब्रांड्स के, उनकी ऑडियो क्वालिटी ऐसी होती है ना कानों में चुभती है, खाली ऐसा लगता है यार वो चिल्ला ही रहे हैं। बट इस मॉडल की मुझे ऑडियो क्वालिटी बढ़िया लगी है। बट दोस्तों यार मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ इसे साउंड बार या मल्टीमीडिया स्पीकर के साथ, क्योंकि उन मॉडल्स पर दोस्तों ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलती है, फुल वॉल्यूम पर आवाज़ नहीं फटती है एंड हमें मिड्स हाइज हर एक चीज़ बढ़िया इस पर मिल जाती है। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 6,000 से 7,000 तक का बजट है एंड आप एक बढ़िया पार्टी स्पीकर परचेज करने की सोच रहे हैं जिस पर ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया हो तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक लवर से तो बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी बेस क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार बेस क्वालिटी में कितना बढ़िया है एंड देखते हैं कि यार डीप बेस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो दोस्तों यार हमने इसका डिटेल पे बेस भी टेस्ट कर लिया है, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आपको इस पार्टी स्पीकर की बेस क्वालिटी कैसी लगी है। दोस्तों इस पर वैसे हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है, एंड इनबिल्ट बैटरी वाला दोस्तों ये जो पार्टी स्पीकर है इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से बेस्ट है बेस क्वालिटी में। बहुत ही बढ़िया बेस क्वालिटी हमें मिल जाती है, आपको मतलब साउंड के साथ ना थोड़ी धमक भी चाहिए तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। लोअर फ्रिक्वेंसी आपको हल्की फुल्की इस पर फील हो जाएगी, मतलब बहुत सही लगा यार बोट ने। एक तो इसका प्राइस बहुत सही रखा है, साथ में बेस क्वालिटी में भी काम करा है, क्लेरिटी में भी काम करा है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक प्लस पॉइंट और हमें मिल जाता है, हम इसके बेस एंड ट्रबल को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमने इसका बेस पूरा मैक्स खोला था, अपने फोन की जो वॉल्यूम थी वो भी पूरी मैक्स खोली हुई थी, साथ में हमने पार्टी स्पीकर की जो वॉल्यूम थी वो भी पूरी मैक्स खोली हुई थी, उसके बाद भी दोस्तों इसका जो बेस है वो बिल्कुल नहीं फट रहा था। सो ओवरऑल दोस्तों बेस क्वालिटी भी मुझे इसकी बढ़िया लगी है। पार्टी स्पीकर में अंडर 7000 में ये मॉडल बेस्ट है, मतलब 7500 का भी अगर आपको मिलेगा तो बेस क्वालिटी के हिसाब से आप इसे परचेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसकी लाउडनेस टेस्ट करते हैं एंड अपने पार्टी स्पीकर को आउटडोर में लेके चलते हैं, देखते हैं कि यार आउटडोर में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है। तो दोस्तों यार हमने इसको आउटडोर में भी टेस्ट कर लिया है, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आपको इस पार्टी स्पीकर का आउटडोर में परफॉर्मेंस कैसा लगा है। वैसे मैंने कैमरे को आगे पीछे लेकर पूरा टेस्टिंग दी आपको ताकि आपको क्लियर पता लग सके। अगर आपने वीडियो को हेडफोन के साथ देखा होगा तो मेरे हिसाब से आपको क्वालिटी का भी पता लगा होगा। दोस्तों यार आउटडोर के लिए मैं ये कहूंगा ना डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस तो आपको मिल जाएगा, बट अगर आप ये सोचें ना कि यार आपका बड़ा गेट टुगेदर ये निपटा देगा एंड आप बड़ी पार्टी इंजॉय कर सकते हैं इस पार्टी स्पीकर के साथ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब उतनी लाउडनेस हमें नहीं मिलती है। अब जो भी है दोस्तों मैं टू बी ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, प्रीमियम साउंड तो आपको जरूर आउटडोर में भी फील होगा, बट अगर हम लाउडनेस की बात करें ना तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी मुझे जरूर से लगी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आउटडोर में भी मुझे मज़ा आ गया। अगर आपको आउटडोर में डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए या आप तीन चार दोस्त हैं आप जंगल में जा रहे हैं पार्टी वाड़ी करने के लिए तो वहाँ पे के लिए तो दोस्तों बढ़िया है, बट यार आपके घर में 150 लोग आ रहे हैं एंड कुछ बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे के लिए थोड़ी सी कमी आपको लाउडनेस में जरूर से मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल दोस्तों बढ़िया है ये, आपको क्वालिटी में मज़ा आ जाएगा इसकी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, क्योंकि बैटरी बैकअप भी यार मेरे हिसाब से मेन चीज होती है किसी भी पार्टी स्पीकर में, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी वाला स्पीकर है। दोस्तों इस पर जो बैटरी बैकअप हमें मिल जाता है, क्योंकि हमने इसे काफी लंबा टेस्ट करा एंड मैंने इसको पूरा मतलब चार्ज करने के बाद यूज करा, तो अप्रॉक्स दोस्तों ये 4-5 घंटे का प्लेबैक आपको दे देगा 50-60% की वॉल्यूम में। अगर आप मैक्स वॉल्यूम पर सुनेंगे तब तो आपको यार 2-3 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, बट आप क्या कि आधी वॉल्यूम पर इसे सुनेंगे तो 5-6 घंटे का ये आराम से चल जाएगा। वैसे कंपनी भी क्लेम करती है 7 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है 60% की बैटरी में, सो बैटरी मतलब अच्छी चल जाती है इसकी, वहां पर आपको कमी नहीं मिलेगी। साथ में दोस्तों जो इसका प्लस पॉइंट है ना, इसे हम टाइप सी केबल से चार्ज कर पाएंगे, सो ये कार के लिए भी काफी बेस्ट होने वाला है। अब हम सोच रहे हैं ना दोस्तों इसका अगला पार्ट कार के संग लेकर आए एंड इसे कार पे यूज करें एंड आपको बताएं कि यार परफॉर्मेंस ओवरऑल कार पे कितना बढ़िया हमें मिलता है, क्योंकि यूएसबी पोर्ट तो हमें कार पे भी मिल जाता है, सो हम इसे ऑन द गो पे कार पे भी चार्ज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, जो मुझे कमी लगी थी वो भी मैंने बताई, जो प्रोस थे वो भी मैंने आपको बताए। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।